मेरा नाम अमरीन सलमान है और मैं एक हाउसवाइफ हूँ, लेकिन पिछले कई सालों से मेरा जो एक शौक है वो डेवलप हो गया है टूवर्ड्स जीप। 4x4 मीन मशीन क्लब के नाम से हमारा एक क्लब है जिसके मेंबर्स हैं हम लोग। पिछले कई सालों से हम इसमें पार्टिसिपेट करते आ रहे हैं। डिफरेंट जगह पे रैलीज होती हैं और मुकाबले होते हैं, ऑफ रोडिंग होती है। लेकिन लड़कियों का यहाँ पे आना एक बहुत ही अचंभे की बात थी। मुझसे पहले यहाँ पे कोई लड़की ऑफ रोडिंग के लिए नहीं आई थी, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत ज़्यादा इंकरेज किया कि यस यू कैन डू दैट। जाके देखा सुईगैस कॉलोनी में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गहरे डिचेस हैं। अब डिचेस को क्रॉस करना एक बहुत ही डेयरिंग काम है, उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती। लेकिन मैंने फर्स्ट गो में जैसे कर लिया, लेकिन उतरते वक्त तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन जब वापस जाना था तो मुझे बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी का सामना करना पड़ा। तो पहली दफा तो बहुत मुश्किल लगा, लेकिन दूसरी और तीसरी बार मुझे बिल्कुल मुश्किल नहीं लगा और वो मेरे लिए अब ऐसे ही है जैसे रोड है। और लड़कियों को बहुत ज्यादा इंस्पायरेशन मिली इस चीज से जब उन्होंने मेरी वीडियोस देखी। हमारा माइंडसेट बना हुआ है जैसे कि लड़कियां ये काम नहीं कर सकती, ये एक डेयरिंग काम है, इसमें जान को खतरा होता है। नो डाउट होता है, बट अगर हम थोड़ी एहतियात से काम लें तो ये पैशन जो है वो बहुत आगे तक हमें लेके जा सकता है। लड़कियां कौन सा काम है जो नहीं कर सकती? सिर्फ एक हिम्मत की जरूरत है, थोड़ी सी सपोर्ट की जरूरत है। मुझे भी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था शुरू में। मुझे ऐसे लगा था, मुझे लोग ऐसे कहते थे कि हो हाय कैसे एक लड़की हो के तुम मतलब ऐसे कैसे करोगी, इतने लोग होते हैं वहाँ पे, इतने आदमी होते हैं वहाँ पे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सोसाइटी को इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि जब आप जो काम कर रहे हो, जब आप उसके ऊपर पैशनेट रहते हो, कॉन्स्टेंट रहते हो, तो दुनिया वाले उसको भी आखिरकार को मान जाते हैं। अब मुझे मेरे घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया। नो डाउट के अम्मी ने कहा कि नहीं भाई, नहीं ऐसे नहीं करना, कुछ भी हो सकता है, तुम्हारे बच्चे हैं और ये वो लेकिन सलमान का मेरे ऊपर हमेशा से एतबार रहा। और नेक्स्ट में जो मेरा पैशन है या जो मेरा मंजिल है जिसे आप कह सकते हो, वो चोलिस्तान रैली है, जिसके लिए मुझे उन्होंने अब रेडी किया है और उन्होंने कहा है कि हम जो है वो इसमें हिस्सा लेंगे। और जो हमारी कैटेगरी होती है विमेन की, उसमें उन्होंने कहा है कि आप पार्टिसिपेट करें। तो मॉडर्न सिर्फ कहने को नहीं, हमें मेंटली भी अपने आप को ये चीज़ को साबित करना पड़ेगा कि लड़कियां हर मैदान में बहुत कुछ कर सकती हैं। हमारी मुल्क की तरक्की के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लड़कियों को उनकी वो उनके जो हकूक हैं वो दिए जाएं, और इस तरीके से दिए जाएं कि सिर्फ कागज़ों में ना दिए जाएं, उनको वो सब कुछ करने दिया जाए एक हद में रह के जो वो करना चाहती हैं। दैट्स इट।